कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, कितना अच्छा लग रहा है आपको मुझे यहाँ देख के। आज आपको अच्छा लग रहा है मुझे देख के? तो स्वागत है आज की शाम में आप सबका, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वॉलंटियर्स, एनजीओज और इस खूबसूरत बैंड जिसका नाम है उड़ान एंटरटेनमेंट कंपनी। इसकी खासियत ये है कि ये सब प्लेयर्स जो हैं विजुअली इम्पेयर्ड हैं, आंख से देख नहीं सकते हैं। एक जोरदार ताली इनके लिए। आज की शाम एक बहुत महत्वपूर्ण शाम है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे दोस्तों के लिए। और सतीश जी अगर अपना मोबाइल देख के मुझे ऊपर करेंगे, मुझे देखेंगे ना, तो मुझे अच्छा लगेगा जी। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि why is today's evening an important evening for us? क्यों आज की शाम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? आज से 4 साल पहले 10 फरवरी 2012 को मेरे पिताजी की का देहांत हुआ। मेरे पिताजी का मेरी जिंदगी में, हमारे परिवार की जिंदगी में बहुत ज़बरदस्त योगदान रहा। उनकी सादगी से, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर से और उनकी वो सीखों से जो अनजाने में उन्होंने बिना सिखाए हमें सिखाई। मेरे फेलियर्स में या मेरी असफलताओं में और मेरी सफलताओं में वो दोनों ही तरफ से पूरे खुश होते थे। मैं पास होता था तो खुश होते थे, मैं पास नहीं होता था तो कहते थे चलो कोई बात नहीं, अगली बार पास हो जाना। तो ऐसे बहुत कम पिताजी होते हैं जो इस तरह, जो आपकी सफलताओं को और आपकी असफलताओं को एक ही तरीके से नापते हैं। और ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत ही कुछ इंटेलेक्चुअल किस्म के इंसान थे। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे, उनकी मासिक आमदनी 90 रुपए थी उस जमाने में। 90 रुपए में वो 14 लोगों का परिवार हमारा था, 14 लोगों के, मेरा और मेरे भाई का और हमारे बाकी लोगों का जीवन आपसे कोई अलग नहीं था। आराम से कहा जा सकता था कि हम निम्न वर्गीय परिवार के लोग थे और हमें निम्न वर्गीय परिवार के लोगों की सच्चाई, उनकी भलमानसत, उनकी जद्दोजहद साफ नजर आती है। मेरे हर उपलब्धि को वो सामने की तीसरी रो में बैठकर देखा करते थे और मैं कितनी बुरी एक्टिंग कर लूं उनके चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन होता था कि वाह, मेरे बेटे से बेटर एक्टर कोई है ही नहीं, बुरी से बुरी एक्टिंग को। तो उन्होंने हमें जीना सिखाया, उन्होंने हमें सिखाया कि असफलताएं जिंदगी का एक अभिन्न अंग है, अगर इन्हें सही तरीके से लिया जाए, सही तरीके से नापा जाए तो जिंदगी में असफलताएं आपको ज्यादा सिखाती हैं सफलताओं के ज्यादा। उनका हमेशा एक जुमला होता था, वो हमेशा कहते थे कि बेटा जो बच्चा अपनी क्लास में फर्स्ट आता है पढ़ाई में या खेल कूद में या किसी और भी प्रतियोगिता में, उसको हर बार यही टेंशन रहती है कि मुझे फर्स्ट आना है, क्योंकि फर्स्ट आया हूं तो अगले साल भी फर्स्ट आना चाहिए, अगली प्रतियोगिता में भी फर्स्ट आना चाहिए, अगले भाग में बाकी चीजों में फर्स्ट आना चाहिए। पर जो आदमी 58th आता है वो 47th भी आ सकता है, 38th भी आ सकता है, 24th भी आ सकता है, 19th भी आ सकता है। तो उसके लिए जो है सीढ़ी बढ़ती चली जाती है। तो इन सब चीजों के दौरान उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया और बहुत हर मेरी हर उपलब्धि को उन्होंने बहुत ही प्यारे ढंग से एंजॉय किया, मजे लिए उसके। इसीलिए जब 10 फरवरी 2012 में उनकी मृत्यु हुई तो बजाय उनकी मौत पर शोक प्रकट करने के, हमने उनकी जिंदगी को सेलिब्रेट किया था। हमने डिसाइड किया अपनी माँ से आज्ञा लेकर, मैंने और मेरे छोटे भाई ने, कि क्या हम पिताजी की जो फोर्थ डे है, जो चौथा जिसे कहते हैं प्रेयर सेरेमनी जो है, क्या हम बजाय शोक मनाने के क्या हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। माताजी ने हमें आज्ञा दी और हमने उनके लिए एक रॉक बैंड का इंतजाम किया।
सारे दोस्तों को बोला कि कोई सफेद कपड़े नहीं पहन कर आएगा, क्योंकि आमतौर पर शोक सभा में लोग सफेद कपड़े पहन के आते हैं, डार्क ग्लासेस पहन के। सब रंगीन कपड़े पहनकर आएंगे और बहुत उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें की। एक पहलू तो ये था। और मेरे हर अवार्ड पर, मेरे हर उपलब्धि पर वो बहुत खुश होते थे। मुझे याद है जब मैंने 5th स्टैंडर्ड में एक प्ले किया था पृथ्वीराज चौहान, तो वो प्रतियोगिता का एक हिस्सा था, स्कूल की प्रतियोगिता का एक हिस्सा था, तो सबको कोई ना कोई अवार्ड मिला था। बेस्ट एक्टर का किसी को बच्चे को मिला था, किसी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मिला था, और किसी को कॉन्सोलेशन प्राइज मिला था। मुझे कुछ नहीं मिला था। तो पिताजी बाहर गए, उन्होंने हमारे पहाड़ पर कुछ पीले रंग के जंगली फूल होते थे, उनका एक गुलदस्ता छोटा सा बनाया और उन्होंने बोला कि ये मेरी तरफ से तुम्हारा अवार्ड है। ताली मार। फिर बहुत सारे ऐसे किस्से हुए जब मेरा ऑडिशन में मैं फेल हो गया, तो बोलते थे कोई बात नहीं। फिर मैं जब मेरी पहली फिल्म जो मैंने की थी वो बनी नहीं, फिर मुझे निकाल दिया गया था, एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर इस साल भारत सरकार ने मुझे पद्म भूषण से सुशोभित किया। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे दोस्तों के लिए ये बहुत बहुत ही गर्व की बात है। शिमला के शहर का एक छोटे से घर में पैदा हुआ क्लर्क का बेटा, अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई से, ट्रेनिंग से, स्कॉलरशिप से, 3 साल बॉम्बे में जद्दोजहद करके फाइनली 31 साल में 492 फिल्में करके अगर पद्म भूषण पा सकता है, तो दोस्तों जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। मैं बहुत दिनों से सोचता रहा कि इसको मैं कैसे सेलिब्रेट करूं, और जिस शख्सियत को मैंने सबसे ज्यादा मिस किया जब मुझे अवार्ड मिला, वो थे मेरे पिताजी। ऑफ कोर्स मेरी माँ तो खुश हुई, मेरा भाई खुश हुआ, मेरे परिवार के बाकी सदस्य खुश हुए, मगर पिताजी नहीं थे तो इस बात का मुझे बहुत गम था, तकलीफ थी। इनफैक्ट पिताजी हमारी एक उनके कमरे में एक ट्रंक होता था, छोटा सा टीन का ट्रंक, पुराने जमाने में ट्रंक होते थे। पिताजी उस ट्रंक को हाथ नहीं लगाने देते थे, नहीं नहीं इसकी चाबी मेरे पास रहेगी, नहीं नहीं ये नहीं खोल सकते तुम लोग। तो उनके देहांत के बाद मैंने मेरी माँ ने और मेरे छोटे भाई ने देखा कि इस ट्रंक में था क्या, इस ट्रंक में रखते क्या थे वो। तो जब हमने ट्रंक खोला तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे 5th 7th स्टैंडर्ड से लेकर मेरी आखिरी फिल्म तक के जितने भी फिल्म रिव्यूज थे, अखबारों में जितने भी मेरा नाम आया था, उस सब की कटिंग्स बनाकर उन्होंने रखी थी और मेरे नाम को अंडरलाइन किया था। तो आज की शाम तो उनके नाम ही बनती है, आज की शाम और किसी शख्सियत के नाम हो ही नहीं सकती है। 2008 में हमने अनुपम खेर फाउंडेशन की स्थापना की। पिछले 8 सालों में हमने बच्चों के लिए काम किया, कैंसर पेशेंट्स के लिए काम किया, लेकिन मेरा इस चैरिटी की तरफ जो रुझान हुआ वो दिलखुश स्पेशल स्कूल की वजह से हुआ। आज मैं दिलखुश स्पेशल स्कूल को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने पहला एनकाउंटर इस तरह के काम से मेरा उन्होंने किया, और आज मुझे सिस्टर डोलोरेस जो एक महान शख्सियत थी उनकी बहुत याद आ रही है, वो भी नहीं रही, तो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे बचपन की तरह सपने देखना चाहते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हर सपना पूरा हो सकता है। आज जितने भी यहाँ लोग बच्चे बैठे हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आज से 15 साल बाद या 20 साल बाद या 30 साल बाद आप में से कोई ये स्पीच दे रहा होगा और मैं ऑडियंस बैठा ताली बजा रहा हूँ। वो होगी मेरी उपलब्धि, वो होगी हमारे देश की उपलब्धि। ये ऐसा बहुत खूबसूरत देश है, इस देश में बहुत सारे लोगों को बहुत मौके मिलते हैं,
मैं तो हमेशा कहता हूं कि 27 वर्ष जेल में रहने के बावजूद अगर नेल्सन मंडेला उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक लंगोटी वाला बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आजाद करा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक 10 साल का लड़का रोज नदी पार करके पैदल जाया करता था, वही अगर आगे जाकर भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। मेरी माँ को बड़ी टेंशन है। आज मैंने सुबह उनसे कहा कि मम्मी आज के प्रोग्राम की चीफ गेस्ट आप हो। तो दी क्या बात कर रहा है, मैं नहीं हूं, मैं नहीं बनती चीफ गेस्ट। तो आज तो मम्मी आप ही हो चीफ गेस्ट, आप तो कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। तो मैं सबसे पहले अपनी माँ से, अपने भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आए और पिताजी की इस तस्वीर पर जो दिया जला है, लगा है, उसको जलाएं ताकि हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। माता जी नमस्कार। घबराने नहीं, टेंशन की बात नहीं है, आज आपकी काम है। म्यूजिक बजा दो, मेरी माँ का म्यूजिक बजा दिल नहीं लग रहा है, कुछ भी म्यूजिक बजा दो। वो कर दिया, रिकॉर्ड बंद कर दिया, हल्का सा। सतीश कौशिक जी बचपन से मुझे जानते हैं, मतलब मेरे बचपन से। अली पीटर जॉन जी हैं यहाँ पर, पहला मेरे इनको मैं स्पीच देने को बोलूंगा तो ये तो मुझे थप्पड़ मार देंगे। इस समय स्पीच दोगी? ये मेरा भाई हमेशा लेट होता है क्या? अपने भाई की भी ऐसी तैसी करने वाला हूँ अभी। मेरा भाई हमेशा लेट होता है। जब मैं नया नया फिल्मों में आया था, सुनिए किस्सा। ओ राजू जी एक किस्सा सुनो। बोलिए कैसे हो? ये मेरा छोटा भाई राजू। ये जब मैं नया नया फिल्मों में आया तो थोड़ी मुझे तरक्की हुई, तो राजू जी हमेशा लेट होते हैं। तो एक दिन इनको राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जाना था, तो मैंने कहा राजू गाड़ी में टाइम पे पहुंच जाना, एक ही गाड़ी है मेरे पास। मुझे पहली गाड़ी का नंबर याद है, MAP 5068 फीएट की गाड़ी थी। तो राजू ने कहा ये बड़ा मस्त मौला आदमी है, कहता हाँ हाँ तू फिक्र मत कर, 4 बजे की ट्रेन है, मैं पहुँच जाऊँगा बॉम्बे सेंट्रल। ये 3:15 बजे घर से निकले, हंसते खेलते बीच में टैक्सी ड्राइवर से बातें करते रहे। फिर रास्ते में इनका पान खाने का भी दिल किया, बोले बेटा एक पान बनाना ज़रा, वहाँ भी टाइम लगाते रहे। और फिर ये पहुँच गए बॉम्बे सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे, रुक के उसको पैसे दे के उससे पैसे ले के कूली से पूछते हैं, भाई ये बता ये राजधानी एक्सप्रेस कौन से प्लेटफॉर्म से जाती है? कूली बोलता वो जा रही है जी। But I am very, very proud and happy to have a brother like him. He is the best brother in the world. And thank you very much, my brother. There is
इस शाम का कोई फॉर्मुलेटेड तरीका नहीं. द आइडिया इज कि आप बच्चे इस शाम को एंजॉय करें, मजे करें, और आगे का प्रोग्राम चलाने के लिए कुछ लोग हमारे मेहमान और भी आ रहे हैं जो आएंगे आपके साथ, कुछ गाने गाएंगे, कुछ एक जादू जादू भी दिखाने वाली हैं एक बच्ची हमारी, एक डिफरेंट दिल को स्कूल का बच्चा और उसकी दूसरी बच्ची डांस करने वाले हैं. तो आइडिया इज हैव फन बिकॉज यू आर चिल्ड्रन ऑफ अ ग्रेटर गॉड. मैं क्यों बोलता हूं कि यू आर चिल्ड्रन ऑफ ए ग्रेटर गॉड, आप बड़े भगवान के बच्चे हैं. मतलब भगवान में ऊपर नीचे, ओए चुप करना, बिना बात के ताली मार रहा, ताली वाली मैंने बात क्या की मैंने. मैं सोच रहा था कि शाम को क्या नाम दें. जितनी मासूमियत और जितनी पाकीज़गी और जितना ब्यूटीफुल आप लोगों का दिल है वो किसी का नहीं है, इसलिए भगवान आपके साथ हैं. और यहाँ से सपने देखकर आपको इस देश का एक अच्छा नागरिक, एक बड़ा अच्छा इंसान बनना है. और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका. मेरे दोस्तों, उड़ान की स्थापना आज से 10 साल पहले हुई थी. दो लोगों ने इसकी स्थापना की, विजुअली इम्पेयर्ड एक टेक्निकल नेम है, but they are actually blind. But today, the idea is to say that these people are the best entertainers. So a big round of applause for them. They will take you through this evening. Is there an audio visual there? पता भी नहीं मुझे है. चलवाएं? हमने एक audio visual तैयार किया है, वो देख लेते हैं. Let's see the audio visual. Very good. अच्छा बनाया. बुद्ध घोष. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. कह रहे हैं कि कोयल की कूक से सुबह लरजती है, तेज बारिश में बिजली गरजती है. कोयल की कूक से सुबह लरजती है, तेज बारिश में बिजली गरजती है. और ये महफिल तब सजती है जब जोरदार तालियां बजती है. एकदम से जोश आ गया. जी हाँ बिल्कुल. स्वागत करते हैं उड़ान एंटरटेनमेंट ग्रुप की ओर से, स्वागत करते हैं दीपक भाई और केवल भाई की ओर से, स्वागत करते हैं हमारे तमाम म्यूजिशियंस की ओर से, सिंगर्स की ओर से. मैं आपका दोस्त और होस्ट बुद्ध घोष कासर आप सभी का स्वागत करता हूँ. और सबसे पहले जो अभी आपसे बात कर रहे थे द ग्रेट आर्टिस्ट कॉमेडियन और आपके सबसे जाने माने जिन्हें हाल ही में पद्म भूषण से नवाजा गया अनुपम खेर जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. वो फिल्म में काफी लोगों का बहुत कुछ कहना था लेकिन वो फिल्म चली और अनुपम जी के किरदार को लोगों ने काफी सपोर्ट किया, काफी सराहा. और आश्चर्य की बात तो यह है तब इनकी उम्र थी सिर्फ महज 28 साल और उन्हें किरदार निभाया था कम से कम 60 साल के बुजुर्ग का. और तब उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया और लोग वाकई में कहने लगे कि वाकई में ये कलाकार में, इस इंसान में दम है, वाकई में इस इंसान में दम है. इनकी प्रतिभा में, इनकी प्रतिभा तो अनुपम है, इनकी प्रतिभा तो अनुपम है. क
कहता है कि दिल जीत ले वो जिगर हम भी रखते हैं, कत्ल कर दे वो नजर हम भी रखते हैं। दिल जीत ले वो जिगर हम भी रखते हैं, कत्ल कर दे वो नजर हम भी रखते हैं। हमने वादा किया है किसी को मुस्कुराने का, वरना आंखों में समंदर हम भी रखते हैं, वरना आंखों में समंदर हम भी रखते हैं। एक बहुत ही बढ़िया सी शाम करते हैं आपके नाम कुछ गीत और बातें हैं तमाम, तो तैयार हो जाइए, आपका दिल और कुर्सियां थाम लीजिए, क्योंकि आपका दिल कभी भी खो सकता है, आपका दिल कभी भी खो सकता है, क्योंकि इस शो में कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्त। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस उड़ान एंटरटेनमेंट ग्रुप। कह रहा है ये जमाना आज तू बदल जरा, कह रहा है ये जमाना आज तू बदल जरा, दिल की ये पुकार है कि मेरे संग चल जरा, दिल की ये पुकार है कि मेरे संग चल जरा। फोर्थ डेथ एनिवर्सरी है मेरे पिताजी ने मेरी सफलताओं को और मेरी असफलताओं को उतने ही तरीके से सेलिब्रेट किया है जितनी तरीके से किया जाना चाहिए। मतलब यूजुअली माँ बाप जो है असफलताओं को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, मगर मेरे पिताजी ने मुझे बचपन से पहले प्ले से जब मुझे इनाम नहीं मिल पाया था तब मुझे पीले गुलदस्ता छोटा सा पीले फूलों का गुलदस्ता ला के दिया था, और वो सिर्फ क्लर्क थे एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और उन्होंने मुझे सिखाया कि फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर। तो जब उनका देहांत हुआ था 2012 में तो मैंने उनकी लाइफ को सेलिब्रेट किया था बजाय उनकी डेथ को मौन करने के। आज 4 साल बाद जब मुझे कुछ महीने एक महीना पहले पद्म भूषण मिला तो मैंने अपने पिताजी को बहुत मिस किया कि उनको हमेशा इस बात की बहुत खुशी होती थी मुझे कुछ मिले, और जब मिला तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि बेस्ट तरीका है उसको और अपने पिताजी के आज के पुण्य दिन को सेलिब्रेट करने का एक तरीका है कि बहुत सारे बच्चों को जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, डेस्टिट्यूट बच्चे हैं, ऑर्फनेजेस के बच्चे हैं, हैंडीकैप बच्चे हैं, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, उनको एक ऐसी यादगार शाम दी जाए उनकी उनके शान में, और ऑर्केस्ट्रा भी जो है उसमें भी विजुअली इम्पेयर्ड मतलब ब्लाइंड म्यूजिशियंस थे, परफॉर्मर्स जो थे हमको। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हमारी कमज़ोरी हम मानते हैं तो वो कमज़ोरी होती है, अगर हम नहीं मानते हैं तो वो कमज़ोरी नहीं होती है। सो दिस इज़ द वे एंड आई स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल अनुपम केयर्स। अनुपम केयर फाउंडेशन स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव विच इज़ अनुपम केयर्स, विच इज़ अ हेल्पलाइन गोइंग टू बी फॉर चिल्ड्रन ऑल ओवर इंडिया, एंड इट्स इन द फॉर्मेटिव फ्रेज बट वी वुड लाइक टू हेल्प। एंड बहुत दिया है फिल्मों ने, बहुत इस देश ने बहुत कुछ दिया है, इस देश की जनता ने बहुत कुछ दिया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। अब वक्त आ गया है
अपनी जिम्मेदारी निभाने का और उस सम्मान को, उस प्यार को वापस करने का। तो ये एक पहला प्रयास था उस दिशा की ओर। सर, एनजीओ जो आज लॉन्च की गई है, एनजीओ जो आपकी है? नहीं, अनुपम खेर फाउंडेशन 2008 में हो गई थी, वो उसकी फॉर्मेशन हो गई थी। हम बहुत काम करते हैं कैंसर चिल्ड्रन के लिए, पैलिएटिव केयर के लिए, ऑर्फनेजेस के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं। मगर आज उसका एक भाग हमने शुरुआत किया विच इज़ कॉल्ड अनुपम केयर्स, जो एक हेल्पलाइन होने वाली है ऐसे सब बच्चों के लिए जिन्हें किसी भी किस्म की मदद होगी। फंड्स नहीं है, बट आई थिंक फंड्स आएंगे धीरे धीरे, और उसके बाद अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए और एक इच्छा होनी चाहिए। तो इच्छा है, लोग बढ़ते चले जाएंगे। बहुत लोगों का दिल होता है मदद करने का, लोग सामने इसलिए नहीं आते क्योंकि ऑकवर्ड महसूस करते हैं, या लोग फिर उनको बोलते हैं अरे अब ये इसमें भी पब्लिसिटी ढूंढ रहा है। तो ऐसा उनका इस उनके इस तकलीफ़ को या उनकी इस झिझक को हटाने के लिए अनुपम केयर्स विल बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म वेयर विल लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ द चिल्ड्रन। आज जो परफॉर्मेंस हुआ, आज जो ये 1,500 बच्चों ने यहाँ पर इंजॉय किया, सब मंच पर आए, ये इस बात का सबूत है कि बच्चे जो हैं इनका मन बहुत साफ होता है। दैट्स वाई आई कॉल दिस इवेंट चिल्ड्रन ऑफ ए ग्रेटर गॉड। यूजली वी से दैट दे आर चिल्ड्रन ऑफ ए लेसर गॉड, बट दे आर चिल्ड्रन ऑफ ए ग्रेटर गॉड। एंड आई एम थैंकफुल टू मीडिया फॉर स्टेइंग बैक। ऐसे 5 घंटे से आप लोग यहाँ पर हैं, और शायद आपके आपके द्वारा अगर ये देश तक पैगाम पहुँचता है कि इन सब बच्चों की मदद हमको करनी चाहिए। क्योंकि बहुत साल पहले जब मैं छोटा था, मैं भी इन्हीं बच्चों की तरह था, एक निम्न वर्गीय परिवार का, एक क्लर्क का बेटा, और अपनी मेहनत से, अपने लोगों की प्रेरणा समझकर आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि मैं अपना पुरस्कार, जो राष्ट्र पुरस्कार मुझे मिला है, वो इन बच्चों के साथ शेयर कर सकूं। और जिन शख्सियत ने, मेरे पिताजी ने जो मुझे इस मुकाम तक पहुंचने की हिम्मत दी है, उनका भी शुक्रिया अदा कर सकूं इस तरह के आयोजन से। सर, बहुत जी सर, बहुत इम्पोर्टेंट है सर आज आपके लिए जी। हाँ, आई थिंक ये दे आर इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि देखिए दोनों से, जो मंच पर कलाकार थे, जो मंच पर म्यूजिशियंस थे, जो मंच पर जिन्होंने अलग अलग किस्म का अपना आइटम किया, अपना प्रयास दिखाया, चाहे वो पोल पे चढ़ के उन्होंने किया, देखो बच्चा कितना अच्छा किया इन सब लोगों ने, चाहे वो जो इंसान, जो लड़का था जिसने जो लेग्स के साथ थोड़ा सा विकलांग जो है, अब उसको दिव्यांग बोलते हैं, मैं भी बहुत अच्छा लगा मुझे दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करके। आई थिंक उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, प्रेरणा मिली है, एक्सपीरियंस वॉज फैंटेस्टिक। आई थिंक आप वही एक्सपीरियंस था जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट मुझे दिखा रही है। एक्सपीरियंस सेम ही होता है, अच्छी चीज़ों का एक्सपीरियंस सेम होता है, और ये एक्सपीरियंस दिल से एक्सपीरियंस किया जाता है, दिमाग से नहीं। एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग, इट्स अ हम्बल फीलिंग। माई मदर फेल्ट वेरी गुड, माई मदर वॉज वेरी हैप्पी that I called her as the chief guest. उनके लिए भी अच्छा है। और बहुत सारे कलाकार जो गाने आए थे, जो सिर्फ यहाँ पर मेरे दोस्त बनकर आए थे, कैलाश खेर साहब, प्रीति शेठ, शान आए थे थोड़ी देर के लिए, और अमन त्रिखा आए थे, जानकी आई थी, मतलब क्या इन्होंने माहौल बांधा और कितना अच्छा इन्होंने किया, इन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर, एक अलग सा सवाल, हनुमान थापा जो है हमारे जवान थापा, है, वो क्रिटिकल है अब। हनुमान थापा साहब की पहले तो मैं उनके शौर्य की बहुत उनको सलाम करना चाहता हूँ, उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ। 6 दिन और 25 फीट बर्फ़ के नीचे उन्होंने जिस तरह का साहस दिखाया, अब मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। और आज इन सब बच्चे जो यहाँ पर आए हैं, इनकी तरफ से भी मैं प्रार्थना करूँगा। बच्चों की, मासूम बच्चों की प्रार्थना बहुत काम आती है। और मुझे एक फीलिंग है कि आज की शाम जो हमने आयोजन किया है, इन बच्चों का आशीर्वाद, इन बच्चों की ये प्रार्थना हम ज़रूर होगी, और हमारे हनुमान थप्पा साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है और ऐसी मुझे आशा है, और मैं उनके लिए प्रे करना चाहता हूँ। आखिरी सवाल सर, बजट से आपकी क्या उम्मीद है? बस बेटा, आज का आयोजन का बजट जो है भगवान ने दे दिया।